मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोजा राखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है, रोजा कान का भी रोजा है, रोजा जबान का भी रोजा है, रोजा हाथ का भी रोजा है, रोजा पैर का भी रोजा है। इंशाल्लाह 300 रोजे रखेंगे। अच्छा, कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद? ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं रखी बेटा, गाल खींच के जाते। बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों, सोचो, कब सोचोगे? उठो, नींद से बेदार हो जाओ, ख्वाबे गफलत से जागो, तुम्हें पता भी नहीं है अभी यूपी में 13,000 मदरसों को ताला लगाने की बात चल रही है। 13, अब सोते रह जाओगे। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे, जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को जुमा की नमाज मेरे भाई, मेरे मुसलमान, मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर, उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घुसा से हमला किया है। तुम्हें पता नहीं है वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी की पूजा में डिस्टर्ब ना करो, सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता। रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजा रख लो, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजेदार में, रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी औरतों को बोलेगा, अभी तक कचरी नहीं बनी, अभी तक चूरा नहीं बनिया, अभी तक घूनी नहीं बनिया। अच्छा, इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ, एक बात याद रखो, ज्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले पेट में, मशीन चले वो खाली चले, वो खाली चले, ये फैक्ट्री को खाली रखो। इतना लोग शहरी खा करके, एक आदमी शहरी खा के बोल रहा था, क्या नहीं रख, क्या नहीं करो, इसमें कोई बीमारी जो ना की? बोला नहीं, बीमारी नहीं है, मीरोजा जी शहरी खाए ना हजम नहीं है। तो हम कह के मुख्तसर खा शहरी, क्या ना तेला शहरी खा लो। बोला हजरत मुख्तसर खाते हैं? मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है वे। सहरी कम खाया करो, 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जो रोजा नहीं है उसे इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मजा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मजा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मजा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। रोजे के वक्त, इफ्तारी के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, एक हमारी बहन है सलमा मरहुमा, इंतकाल कर गई है। उनके इशालो सवाब की नियत से 500 रुपए मेरे हाथों में आए हैं। अल्लाह मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत फरमा दे, आमीन। बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, अभी आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है, आप सुनिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ मुझे उम्मीद है ये बारसोई की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। जब मैं सवाल करूंगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप महरूम नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से आप दान करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को अगर दुआ के लिए कहें, इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवसुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इफ्तारी के वक्त मेरी माँ बहनों, अब मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, ए हे बाप रे बाप, ले पकौड़ा ले कचड़ी ले घुमनी ले मुड़ी अतेला काम, मुन्नार बाप था ना यही जब बनाई में। इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है, बाप रे बाप, खत्म ही नहीं हो रहा इफ्तारी, इफ्तारी का शिष्ट आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें। ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बापे पसंद से बाजार जा, औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, ये इसीलिए ब्याह किया है। मेरी माँ बहन सोच रही की मौली साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िया है, औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है, आप बनाइए आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए कहीं से लाइए उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान माने रोटी, नफका माने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ हमारी माँ बहने रोटी बनाकर आपको खिला दे ये उनका अखलाक है, खाना बनाकर खिला दे ये उनका अखलाक है, अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमजानुल मुबारक का, मेरी माँ बहनों ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो, अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदी की, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सहरी सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है बोलो भाई, कौन खाना है बरकतों वाला खाना है, चाहे खजूर 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 का एक दाना ही क्यों ना हो खाया करो, पानी का ये घोट ही क्यों ना हो खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है, और रोजा रखो, और रोजे की हालत में किसी को गाली देना, हम मांगे, अरे बोलो भाई हम मांगे, जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दे, आमीन बोला दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला दे। और एक बात याद रखना, रोजा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोजा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोजा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोल कर मेरी माँ बहनों सुनो, रोजा रखे झगड़ा नहीं करबो,
कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है, रोजा कान का भी रोजा है, रोजा जबान का भी रोजा है, रोजा हाथ का भी रोजा है, रोजा पैर का भी रोजा है। एक आदमी रोजा रखता था, वो सबको बोलता था, मैं आज रोजा जी मोर चाटा है गे, अल्लाह करम से चाटा है गे। आ घर के बगले में वो नदी थी, वो पांच मर्तबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भैया हम रोजा लग जाओ नी गोसर घरों ने वो चैन नहीं मिल गए। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना, बस नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई, ये कांटा इधर ये कांटा इधर। तो बोला पाए मुंह बचाए। एक बात याद रखो, रोजा रखना, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा रखो, ये जन्नत के 8 दरवाजे। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है, एक दरवाजा जिसका नाम है बाबू रेहान। ओ दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोजेदारों कहाँ हो, ये बाबू रेहान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोजेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी, सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोजा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाल्लाह, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोजेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोजेदारों को मिलेगा कि जो रोजेदार है अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेंगी। अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह, मेरी माँ बहनों, रोजेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, पाबंदी के साथ रोजा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़ दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोजे के हवाले से पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ए अल्लाह हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत व एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा।